Greetings to all. Myself, Dr. Linda Arora, Assistant Professor, Department of Botany, Government PG College, Bara, Rajasthan. Today, we are going to study about hydrocarbon yielding plant, Euphorbia. बच्चों, आज हम hydrocarbon yielding plant, hydrocarbon उत्पादक पादप Euphorbia के बारे में स्टडी करेंगे. बढ़ती जनसंख्या के साथ साथ प्राकृतिक संसाधनों का दोहन तेजी से हो रहा है. वर्तमान में किसी भी देश के विकास का पैमाना वहाँ के पेट्रोलियम उत्पादों की खपत को माना जाता है. ऐसे में भूतल पर उपस्थित पेट्रोलियम ईंधन तेजी से खत्म हो रहा है. आने वाले समय में देखते हुए वैज्ञानिकों को ऐसा लग रहा है जो देश जितनी अधिक प्रोग्रेस कर रहा है यानी कि उसमें पेट्रोलियम का खपत जो है उसमें उतनी ही ज़्यादा हो रही है. इसलिए साइंटिस्ट का ध्यान ऐसे पादपों की ओर गया जिससे कि हमें हाइड्रोकार्बन प्राप्त होते हैं और उन हाइड्रोकार्बन को हम एस सच सीधा के सीधा वाहनों में पेट्रोल के स्थान पर काम में ले सकें. Hydrocarbons are product of various plant species belonging to different families that convert substantial amount of photosynthetic product into latex. Hydrocarbon plants की जो different species हैं ये इनसे हमें जो latex प्राप्त होता है उस latex से हमें hydrocarbon प्राप्त होते हैं. साथ ही साथ इनके seeds से जो हमें ऑयल प्राप्त होता है उस ऑयल से भी हमें हाइड्रोकार्बन्स प्राप्त होते हैं. लेटेक्स में अन्य कार्बनिक पदार्थ जैसे ऑर्गेनिक एसिड, प्रोटीन, एल्कोलॉइड्स के अतिरिक्त पर्याप्त मात्रा में टर्पिनोइड्स भी उपस्थित होते हैं जिन्हें डायरेक्टली तरल ईंधन के रूप में काम में लेते हैं. लेटेक्स प्रोड्यूसिंग प्लांट्स आर द फैमिलीज लाइक यूफोरबियसी, एपोसाइनेसी, एस्क्लिपिडेसी, सेपोटेसी, कॉनवोवेलेसी. लेटेक्स प्रोड्यूसिंग प्लांट्स की जो फैमिलीज हैं किनसे लेटेक्स प्राप्त होता है बच्चों में, यूफोरबियसी से, एपोसाइनेसी से, एस्क्लिपिडेसी से, सेपोटेसी से, यूटिकेसी से, कॉनवोवेलेसी से. आज हम हाइड्रोकार्बन यील्डिंग प्लांट Euphorbia के बारे में स्टडी करेंगे. साइंटिफिक नेम Euphorbia टिरुकलाई, कॉमन नेम फायर स्टिक प्लांट, पेंसिल ट्री, फैमिली Euphorbiaceae, पॉइजनस पार्ट इसका क्या है, लेटेक्स है. डायोशियस सेकुलेंट कैक्टस लाइक मिल्की ट्री है ये. इसकी पत्तियां जो होती हैं स्मॉल होती हैं, छोटी होती हैं. Euphorbia प्लांट जो होता है शाकीय होता है, झाड़ी नुमा होता है और सेकुलेंट ट्री है. स्तंभ इसका मांसल होता है, लंबा, शाखित, सरल और लेटेक्स युक्त होता है. कुछ जातियों में तना चपटा वे मांसल भी होता है. पत्तियां इसकी आशुपाती होती हैं. सामान्य रूप से पर्ण सरल, दीर्घाकार, एशी रिम, सम्मुख या चक्रवत स्तंभ विन्यासित 15 से 18 सेंटीमीटर लंबी होती हैं. कुछ जातियों में पत्तियां जो होती हैं इसकी कांटों में रूपांतरित हो जाती हैं. जैसे कि Euphorbia टिरुकलाई है, इसमें पर्ण या तो बहुत सूक्ष्म होती है या फिर अनुपस्थित होती है. पादपों में पुष्क्रम जो होता है इसका साइथियम प्रकार का होता है. फ्लावर्स आर येलो इन कलर. इसके फूल जो होते हैं पीले रंग के होते हैं. द प्लांट ग्रो इन एरिड एंड मेसोफिटिक जोन. ये प्लांट जो है मोनली कहाँ, एरिड में और मेसोफिटिक जोन्स में ग्रो करता है. इसका मेन ओरिजिन कहाँ है, अफ्रीका से हुआ. वैसे तो विश्व में सभी जगह पर ये पाया जाता है लेकिन इसका मेन ओरिजिन अफ्रीका से हुआ तथा यहाँ से ये USA, यूरोप, एशिया में मेडिसिनल तथा ऑर्नामेंट प्लांट के रूप में लगाया गया लेकिन इसकी अधिकता सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट में मिलती है.
टॉक्सिसिटी, सीवियर इन्फ्लेमेशन ऑफ वॉल ऑफ स्टोमक एंड इंटेस्टाइन। इसमें क्या है कि अगर इससे हम संपर्क में आते हैं तो स्टोमक व इंटेस्टाइन में सीवियर इन्फ्लेमेशन हो जाता है। स्किन इरिटेशन होता है, स्किन में इरिटेशन से होता है, जलन सी होती है, बर्निंग सेंसेशन आते हैं, ऐसा लगता है कि वो पार्ट जिस स्किन इसके संपर्क में आई है वो पार्ट जल गया है। कॉन्टेक्ट विद आइज, सीवियर पेन अगर आँखों के संपर्क में आता है तो इसमें सीवियर पेन होता है। इन केस टेम्परेरी ब्लाइंडनेस फॉर सेवरल डेज, किसी किसी केस में कई दिनों तक आँखों में अंधापन तक आता है। फ्लशिंग आई विथ फ्रेश एंड कूल वाटर एटलीस्ट 15 मिनट। अगर हमें लगता है कि हम आँखों के संपर्क में आ गए हैं तो कम से कम ठंडे पानी से कम 15 मिनट तक लगातार इसको धोना चाहिए। और अगर हम स्किन के कॉन्टेक्ट में आ गए हैं तो हमें हिस्टामिन ड्रग काम में लेना चाहिए। इसके लिए काउंटर एंटी हिस्टामिक ड्रग जो है आजकल अवेलेबल है और हमें तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए ताकि इसका उपचार समय पर किया जा सके। देर आर 283 जेनेराज एंड 7300 स्पीशीज इन दिस फैमिली। इस कुल के 283 तो जेनेरा हैं और 7300 स्पीशीज पाई जाती हैं। इसे सामान्यतः पेट्रोलियम ट्री के नाम से जाना जाता है। इस प्लांट का यूजफुल पार्ट लेटेक्स ब्रांचेस और रूट्स हैं। ये मांसल कैक्टस के समान ट्री है जो 10 मीटर तक ग्रो करता है। ये ठंडे तापक्रम 10 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड तथा 5 से 15 सेंटीमीटर एनुअल रेन वाले क्षेत्र में उगता है। यूफोर्बिया टिरुकलाई हमारे लिए यही गैसोलिन प्लांट के रूप में यही पादप हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। यूफोर्बिया टिरुकलाई हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसके सीड से प्राप्त तेल से डीजल या गैसोलिन के समान विशेषताएं जिसमें इसके अंदर पाई जाती हैं जो कि डायरेक्टली मोटर इंजन के रूप में काम में लिया जाता है। इसीलिए यूफोर्बिया टिरुकलाई को हम पेट्रोलियम ट्री के नाम से, पेंसिल ट्री तो कहते ही हैं लेकिन साथ साथ हम इसे पेट्रोलियम ट्री के नाम से जानते हैं। इस प्लांट का मोस्ट यूजफुल पार्ट है इसका लेटेक्स ब्रांचेज और रूट्स हैं। लेटेक्स जिसमें कि गैसोलिन के समान विशेषताएं होती हैं, सीड्स जिससे कि हमें हाइड्रोकार्बन्स प्राप्त होते हैं और इस सीड से जो हमें ऑयल प्राप्त होता है उसके अंदर हाइड्रोकार्बन्स प्रेजेंट होते हैं, ये हमारे लिए यूजफुल है। ये मांसल कैक्टस के समान ट्री है जो 10 मीटर ऊंचाई तक ग्रो करता है। अफ्रीका के बगीचों में इसकी तीव्र वृद्धि के कारण ये बाड़ के रूप में भी उपयोग में लिया जाता है। मेन स्टेम वे ब्रांचेज वुडी वे ब्राउन होती हैं जबकि तरुण शाखाएं ग्रीन वे बेलनाकार होती हैं जो पेंसिल के समान दिखाई देती हैं। पत्तियां सूक्ष्म होती हैं जो आशुपाती होती हैं जो जल्दी गिर जाती हैं। जब पादप का कोई भी भाग क्षतिग्रस्त होता है तो उस भाग से दूधिया लेटेक्स स्त्रावित होता है, इसीलिए इसे पेट्रोलियम प्लांट कहते हैं क्योंकि ये गैसोलिन के समान हाइड्रोकार्बन सब्सटेंस उत्पादित करता है, प्रोड्यूस करता है। इस प्लांट द्वारा उत्पादित हाइड्रोकार्बन को गैसोलिन की रिफाइनरीज में डायरेक्टली उपयोग में लिया जाता है। इससे प्रति एकड़ 10 से 50 बैरल तेल प्राप्त होता है। द लेटेक्स ऑफ सच प्लांट कंटेन लिक्विड हाइड्रोकार्बन ऑफ हाई मोलिकुलर वेट। द हाइड्रोकार्बन कैन बी कन्वर्टेड टू हाई ग्रेड ट्रांसपोर्टेशन फ्यूल्स। दीज हाइड्रोकार्बन प्रोड्यूसिंग प्लांट्स आर कॉल्ड पेट्रो प्लांट्स एंड देयर क्रॉप्स आर कॉल्ड पेट्रो क्रॉप्स। इस लेटेक्स प्लांट से तरल ईंधन की प्राप्ति होती है। इस प्लांट से प्रति हेक्टर 25 बैरल क्रूड ऑयल की प्राप्ति होती है।
यानी कि इस प्लांट से प्रति हेक्टर प्रति वर्ष 3 मीट्रिक टन सीड्स प्राप्त होते हैं, जिसमें 50% ऑयल होता है, अर्थात 1.5 मीट्रिक टन ऑयल प्राप्त होता है। इकोनॉमिकली हमारे लिए यूजफुल कैसे है ये बच्चों? इसके उपयोग सर्वोत्तम अनुसंधान इसका डॉक्टर मेलविन केल्विन ने किया तथा पेट्रोलियम पादप के रूप में इसकी उपयोगिता के बारे में बताया। पादप का विभिन्न औषधियों के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। इसके पादप के बीज में 4.5% तक तेल का निष्कर्षण किया जाता है। इससे प्राप्त तेल जो होता है वो मार्केट में सस्ता होता है, इकोनॉमिकली हमारे लिए ये चीपर होता है। इससे प्राप्त लेटेस का उपयोग औषधि निर्माण में भी किया जाता है, इसके अलावा हाइड्रोकार्बन के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो बच्चों ये मेडिसिनल भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है और एज है पेट्रोलियम ट्री के रूप में भी ये हमारे लिए इकोनॉमिकली यूज़फुल है। इसीलिए आजकल यूफोरबिया की खेती पेट्रो प्लांट्स के रूप में की जाती है, क्योंकि इसके इसके जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उनके अंदर इसके लेटेक्स में अन्य कार्बनिक पदार्थ जैसे कार्बनिक अम्ल, प्रोटीन, एल्केलॉइड्स के अतिरिक्त पर्याप्त मात्रा में टर्पिन्स इसके अंदर उपस्थित होते हैं, इसलिए ये तरल ईंधन के रूप में सीधे के सीधे काम में लेते हैं। यूफोरबिया में शर्करा भी होते हैं, शर्करा में कार्बोहाइड्रेट हेक्सोज का इस्तेमाल इथेनॉल निर्माण में इसका उपयोग भी किया जाता है, यानी कि इसके शर्करा का उपयोग भी इथेनॉल निर्माण में किया जाता है और इसके हाइड्रोकार्बन से हमें सीधा ईंधन के रूप में भी डीजल के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। इसीलिए इस प्लांट को पेट्रो प्लांट कहते हैं और इसकी खेती पेट्रो प्लांट्स के रूप में की जाती है, इसलिए इसको ग्रोन फॉर बायोफ्यूल के रूप में इसको उगाया जाता है। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट बच्चों।